तो दोस्तों Redmi Note 7 Pro के ह्यूज सक्सेस के बाद हम सबको इंतजार है Redmi Note 8 Pro का। और ऐसे में मुकुंद शर्मा ने ट्विटर पे एक पोस्ट किया है और वहाँ पे Redmi Note 8 Pro के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन हमें बताया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे Snapdragon 730G का प्रोसेसर मिलने वाला है और उसके साथ ही यहाँ पे पॉपअप सेल्फी कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इसी फोन के बारे में, डिटेल्स में क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस फोन में और कितने प्राइस में और कब तक ये फोन इंडियन मार्केट में आएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास बैक जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा। और अगर बात करें इसकी फ्रंट साइड की तो यहाँ पे 6.39 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि फुल व्यू एमुलेट डिस्प्ले होगा। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिलने वाला है। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी नॉच नहीं मिलता है तो सेल्फी के लिए आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको Snapdragon 730G का प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि दोस्तों बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे Android Q का सपोर्ट मिलने वाला है जो कि MIUI 11 के साथ आएगा। और अब बात कर लेते हैं इसकी कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे रियर साइड में आपको मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा जिसका मेन सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का। और दोस्तों यहाँ पे आपको सैमसंग का GW1 का सेंसर मिलने वाला है और उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर मिलने वाला है। वहीं पे बात करें अगर इसकी सेल्फी कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको सेल्फी के लिए 25 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। तो दोस्तों देखा जाए तो Redmi Note 7 Pro से इस फोन में आपको काफी इम्प्रूव परफॉर्मेंस मिलने वाला है कैमरा डिपार्टमेंट में। और अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4000 mAh का बैटरी जो कि Qualcomm QuickCharge 4.0 के सपोर्ट के साथ आएगा। और उसके साथ ही यहाँ पे 18 वाट का फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर ही मिलने वाला है। और दोस्तों उसके साथ ही यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिलने वाला है। लेकिन इस फोन में आपको NFC मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा इसके ऊपर अभी कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। और वहीं पे अगर बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में तो इसका स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है 1499 yuan यानी कि दोस्तों इंडिया में अराउंड 15,000 के प्राइसिंग में। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 15,000 के प्राइसिंग में मिल जाता है Snapdragon 730G का प्रोसेसर और उसके साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, पॉपअप सेल्फी कैमरा और 64 मेगापिक्सल का रियर में कैमरा भी मिलने वाला है। तो दोस्तों देखा जाए तो Redmi Note 7 Pro से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको Redmi Note 8 Pro में मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो ये फोन इस साल के लास्ट क्वार्टर में यानी कि नवंबर दिसंबर महीने में चाइना में लॉन्च होगा और उसके लगभग एक महीने के अंदर ही ये फोन इंडियन मार्केट में भी आ जाएगा। तो दोस्तों यही था Redmi Note 8 Pro के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए।